नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्म, कार्यकर्ता भी अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने का कर रहे हैं दावा। जी हाँ, इस समय मध्य प्रदेश में राजनीति काफी गर्म और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। पार्टी बदलने का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस को उपचुनाव से पहले लगातार झटके लगते जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर इंडिया खबर लाइव की टीम ने विदिशा जिले के नेताओं से चर्चा की, क्योंकि विदिशा के नज़दीक दो जिलों की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें रायसेन जिले की सांची और सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट है। इन दोनों सीटों पर सिंधिया समर्थक विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। प्रस्तुत है विदिशा से शुभम मिश्रा की एक विशेष रिपोर्ट। प्रदेश की जो 25 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है, जिनमें सिंधिया जी के ग्रुप के लगभग 25-21 विधायक कांग्रेस पार्टी को जोड़ के भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बना दिया गया, तो उपचुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? सबसे पहली बात तो ये है, ये बहुमत से निर्वाचित हुई सरकार को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धनबल और सत्ता का दुरुपयोग करके निर्वाचित और जीती जिताई जनमत की सरकार को गिराया, ये बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारी पार्टी के गद्दारों ने, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनाया, ऐसे लोग एक व्यक्ति की गुलामी के लिए पार्टी छोड़ के गए, उनके लिए जनता भी सबक सिखाने के लिए तैयार है और उनकी भारतीय जनता पार्टी खुद लोग जो हमारे पार्टी के गद्दार वहां पहुंचे उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो जनता अच्छी तरह समझती है और जनता बहुत समझदार है कि वो निश्चित तौर पर एक बिकाऊ लोगों को करारा जवाब देगी। आने वाले जो 3 महीने के अंदर जो चुनाव होना है उसमें निश्चित ही इनको करारा जवाब मिलेगा और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये 100% सत्य है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार 3 महीने बाद पुनः स्थापित होगी। ऐसा मैं पूरा मुझे भरोसा है और पूर्ण बहुमत से स्थापित। कांग्रेस की जो 18 महीने की जो योजनाएं थी जो आपको जनता तक पहुंचानी, उनमें कैसी कौन सी ऐसी योजना जो जनता को सबसे ज्यादा लुभाएगी? जहां तक कमलनाथ सरकार की हम बात करें तो जो योजनाएं कमलनाथ जी ने उन 15 महीने में आम जनता को जो दी थी, जैसे हम बात कर कर्ज माफी का भी दूसरा चरण लगभग पूरा हो गया था, तीसरे चरण की तैयारी हो गई थी, कर्जा माफ़ी में भी मैं नहीं समझता लाखों किसानों को इसका फ़ायदा मिला है। जहाँ तक मुख्यमंत्री कन्यादान की शादियों की बात करें, उन्होंने 25,000 से और सीधे उठाकर 51,000 रुपये का फ़ायदा हितग्राहियों को देना शुरू किया था। निराश्रित पेंशन की बात करें, 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की थी, आगे आने वाले समय में 1,000 रुपये करने की ऐसी प्लानिंग थी। ऐसी तमाम सैकड़ों योजनाएँ जनता तक पहुँच चुकी थी, उनका प्रचार प्रसार भी हुआ है। निश्चित तौर पर हमें पूरा भरोसा है कि कमलनाथ जी पे पुनः पूरे जितने भी चुनाव 25 चुनाव विधानसभा में होना है वहाँ की जनता पूरा भरोसा करेगी, आने वाले समय में उनको समर्थन भी देगी। सिंधिया जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, जो अपने वचन पत्र में जो अपने वादे किए थे उनको क्या पूरा नहीं कर सकती। वचन पत्र चूंकि 5 साल का होता है और कांग्रेस ने हमारे 75 वचन 75 दिनों में पूरे किए थे, ये इतिहास गवाह है। और लगातार वचनों को पूरा करने का काम, सतत काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, कमलनाथ जी की सरकार काम कर रही थी
और कई वचन पूरे हो चुके थे और सने सने बाकी वचन जो थे वो पाइपलाइन में थे। वचन पत्र का काम होता है 5 साल पूरा करने का। सिंधिया जी जो कह रहे हैं वो तो एक मिथ्या बात कह रहे हैं, उन्हें तो पद लोलोपता की ज़रूरत थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनना था। चूँकि कमलनाथ जी एक बहुत सीनियर पर्सनालिटी थे, पार्टी में ये भी सब देखा जाता है, इसलिए उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच सके। इस कारण वो राज्यसभा सांसद बीजेपी ने उन्हें बनाया है और राज्यसभा सांसद बनने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में गए। जिस तरह से अपन देखते हैं कि सुरखी और सांची विधानसभा में जो बीजेपी की जो कैंडिडेट रहेंगे वो कैबिनेट मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी जिस उम्मीदवार को उतारेगी तो वो किस तरह से अपने अपने आप को प्रत्याशी लोगों के सामने अपने आप को प्रारूप कर पाएंगे? भले ही कोई कैबिनेट मंत्री भी क्यों ना हो, जनता के सामने एक बार छवि अगर किसी की धूमिल हो जाती है जनता उसको नकार देती है। कैबिनेट मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री भी कई ऐसे रहे हमारे देश में, कई मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे हैं, कैबिनेट मंत्री बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जनता का जनादेश प्राप्त करना अलग बात है, कैबिनेट मंत्री बनना अलग बात है, क्योंकि यह भारत के इतिहास में पहला मौका है मध्य प्रदेश से जो एक इतिहास के पन्नों पर रचा जाएगा कि इतनी बहु तादाद में जो विधायक ही नहीं है उनको मंत्री बनाया गया है। ये सब सौदेबाजी का खेल है और निश्चित ही हमें पूरा भरोसा है कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां और जो इन्होंने जो दल बदलू का काम किया है, इन्होंने जो पैसा खाके और बिकाऊ काम किया है, इसका जवाब जनता इन्हें निश्चित तौर पर समय आने पर दे। पेंशन ग्रुप में विधवाओं को मिल रहा था और 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान में कमलनाथ जी ने करे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पोस्ट माननीय ज्योतिरादित्य जी की पढ़ी थी, जिन्होंने बोला था कि 51,000 रुपए कहीं भी किसी भी जनपद में 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान में नहीं दिए हुए। क्योंकि मैं 11 जनपद सदस्य प्रतिनिधि भी हूँ, मेरी बात यहाँ 11 से जनपद सदस्य है और हमारे 11 जनपद में 64 मुख्यमंत्री कन्यादान 2019 में हुए हैं माननीय कमलनाथ जी के आने के बाद। वो मैं लिस्ट सर्टिफाइड लिस्ट मैंने फेसबुक पे भी डाली थी और मैं उनको उपलब्ध भी करा सकता हूँ कि 48,000 रुपये प्रत्येक 64 खातों में वो पहुँचे हैं। ऐसी अनेक योजनाएं कांग्रेस शासन में थी जिनको भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जनता ने भाजपा को नकार दिया था तो भाजपा उनको जनता के रूप में ना आकर पीछे की तरफ से बैकडोर से एंट्री करके अपनी सरकार बनाई है। जनता उनको नकारेगी, निश्चित तौर पर कांग्रेस की द्वारा सरकार बनेगी, हमारे प्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री द्वारा बनेगी। कांग्रेस पार्टी में कद्दावर मंत्री माने जाने वाले गोविंद सिंह राजपूत जी भी भाजपा में हैं और उस सीट पर भी उपचुनाव होना है। इसके साथ ही सांची विधानसभा में भी कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराम चौधरी उनकी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट क्लियर हैं और उनको दोबारा कैबिनेट मंत्री बना लिया गया है। तो कांग्रेस के जो कांग्रेस अपने जो प्रत्याशी उतारेगी तो वो अब मैदान में किस तरीके से उतरेंगे, उनकी क्या ऐसी नीतियां रहेंगी जिससे वो जनता को प्रलोभन करेंगे कि भाई जनता के कांग्रेस की अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखेंगे, कांग्रेस की योजनाओं को लोगों के सामने रखेंगे? ऐसी कांग्रेस पार्टी की 18 महीने की क्या योजनाएं हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया योजनाओं के बारे में, हमारे 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान, 1,000 रुपये पेंशन की योजना, 100 रुपये बिजली विभाग की योजना, 2-2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ में, चूंकि सोसाइटी अध्यक्ष भी था और मेरे पास 1100 सोसाइटी की ऐसी लिस्ट है जिसमें 1 लाख रुपए तक के कई किसानों का कर्ज माफ है, मेरे 1.5 लाख रुपए तक के मेरे घर का ही एक किसान कमर सिंह रघुवंशी उनका कर्ज माफ हुआ है। ऐसी अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश शासन ने चलाई थी, चूंकि समय हमारे लिए 15 महीने हुआ था, उसमें से 3 महीने चुनाव में लोकसभा चुनाव में निकल गए, 12 महीने में कमलनाथ जी ने जो हो सका बहुत अच्छे से काम किया। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, भले ही जो कैंडिडेट कांग्रेस के थे पिछले चुनाव में माननीय प्रभुराम चौधरी जी और गोविंद सिंह जी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके चले गए हैं, लेकिन उनको जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था ना कि उनको वोट दिया था। मैं सोचूंगा मैं या हमारा कोई कांग्रेस का नेता सब कुछ है तो ये नहीं, पार्टी सब कुछ रहती है, पार्टी मांग होती है, पार्टी को हमको सोच समझ के पार्टी के साथ चलना चाहिए। ऐसी अनेक योजनाएं हैं और जो गद्दारी का ठप्पा इन लोगों पे जनता ने लगाया है उस गद्दारी के ठप्पे से ये कभी नहीं निकल पाएंगी। और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक मैं आप बात पहुंचाना चाहता हूँ, ये जो ठप्पा रायसेन में और सुरखी विधानसभा में उनके ऊपर लगा है, क्योंकि सुरखी भी हमारे 11 से लगी हुई विधानसभा है, पास में 15 किलोमीटर दूर चालू हो जाती है, मुझे यहाँ तक है, मेरे काफी लोग मित्र मंडली वहां पर है, वो सब लोग बता रहे थे कि वहां पर उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, 30,000 वोटों से वो माइनस उनकी होगी। वहां पे हमारे पास जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं
वो आज निश्चित तौर पर उनको दमन करके भाजपा द्वारा दबाव बना के उनको तोड़ा मरोड़ा जाना, चाहे वो एनसीआई के कार्यकर्ता हो, चाहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, अंदर से इतना मजबूत है कि 15 साल में शिवराज जी ने हम लोगों को दबाया, अब दोबारा उनका दमन चालू होगा। जब हम 15 साल में नहीं टूटे तो अब नहीं डरेंगे। निश्चित तौर पर इन दोनों विधानसभाओं में नहीं, पूरे पूरे 25 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत होगी और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। देखिए ये भी जा रहा है कि हम विदिशा जिले के जो दोनों नजदीकी जिले हैं जहाँ पे उपचुनाव होना है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे देखते हैं कि हम सुर्खी विधानसभा में देखा गया था कि लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। क्या है कि हमारे सुर्खी विधानसभा हमारे कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह जी थे, इसको स्वीकार करने में हमको कोई हर्ज नहीं है। वो हमारे सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, हमारे विधायक थे, काफी वर्षों से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे। लेकिन निश्चित तौर पर उनका प्रभाव जनता में था, जब ही तो वो विधायक बने, कांग्रेस का मोनो उनके साथ में था। लेकिन उन्होंने जो गद्दारी करी तो उसके दबाव में आज वो शासन में मुखिया है, वहां के आज वो विधायक ना होते हुए मंत्री है। और वो जो हमारे कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता उनको दबाव बनाकर वो किसी न किसी रूप में ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन उनका मन दिल हमेशा कांग्रेस का था और कांग्रेस का रहेगा। मैं आपके माध्यम में बताना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस की अभी सीट विधायक का चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन जहां तक मुझे पता है सावेर से प्रेमचंद गुड्डू जी का टिकट कांग्रेस लगभग देगी। जिन प्रेमचंद गुड्डू के सामने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिलावट जी वहां पर थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जबरदस्ती उन्होंने ज्वाइन कराया था, ऐसे अनेकों अनेक कार्यकर्ता माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, माननीय तुलसी सिलावट जी के नेतृत्व में वापस आ रहे हैं। आप देखना आगर में चुनाव है, हमारे कांग्रेस के नवीन युवा मंत्री जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में हजार कार्यकर्ता वहां पर लौट के आ रहे हैं, एक से बड़ी एक सभाएं आगर में हो रही है। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन भी हमारा कैंडिडेट इन विधानसभा में डिक्लेयर होगा वापस कांग्रेस का कार्यकर्ता आएगा और निश्चित तौर पर हम लोग तन मन धन से साथ होकर एक चुनाव लड़ेंगे। उन इन गद्दारों को सबक सिखाएंगे, एक एक पोलिंग से एक एक जगह से इनको हराएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? और देखा जाए तो विदिशा जिले के राय जो नजदीकी दो जिले हैं जिनमें एक रायसेन की सीट है सांची और सागर जिले की एक सीट है सुलकी, दोनों पे भी उपचुनाव होना है जो हमारे जिले से काफ़ी नज़दीक में है। तो यहाँ पे जो प्रत्याशियों का चयन है वो तो पार्टी पहले ही कर चुकी है कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं वो प्रत्याशी रहेंगे। तो भाजपा की क्या तैयारियाँ हैं चुनाव को लेकर? तैयारी है और बाकी जो आपकी 26 सीटें हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर वो ही जीतेंगे। शिवराज जी के अच्छे काम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, पहले भी उनने किया है, पार्टी में सब मिल जुटता है, सब मिलजुल के काम करेंगे। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी योजना है जिनको लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? सभी योजनाएं किसानों के हित में है, संबल योजना है, बीमावादी है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को क्या लाभ मिलेगा? अब दोनों मिलकर काम करेंगे, शिवराज जी ने सिंधिया जी को लाभ मिलेगा। कांग्रेस तो दावा ये भी कर रही थी कि हमारी सरकार नहीं गिरेगी, पूरे विधायक हमारे साथ हैं, सब विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करेंगे, लेकिन हासिल क्या होगा? और अभी तो ये संख्या 26 है, हो सकता है एक दो दिन के बाद फिर बढ़ जाए। तो मेरा तो चुनाव आयोग से आग्रह है कि जब तक ये संकेत क्लियर ना हो जाए कि 26 सीटों पर चुनाव होना है कि फिर 30 पे होगा कि 35 पे होगा, क्योंकि निरंतर हर दिन ये संख्या बढ़ेगी। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अभी दो बुंदेलखंड के विधायक और संपर्क में आए और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उनको वहाँ हाजिर किया था, तो वहाँ तो उन्होंने विश्वास जताया था जैसे कि पहले के विधायक भी विश्वास जता रहे थे। लेकिन आप मान के चलो कि मेरा अनुमान है कि ये संख्या 30 पर पहुंच जाएगी और सभी 30 की 30 सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे और शिवराज जी के नेतृत्व में एक बहुत ही सफल सरकार हमें देखने को मिलेगी। कांग्रेस जमीनी स्तर पर जो बात करें तो कह रही है कि जो उनकी किसान ऋण माफी योजना थी, जो शादी पे 51,000 रुपये की उनकी योजना थी, उस चीज़ से जनता प्रभावित थी और उस चीज़ का उनको चुनाव में लाभ मिलेगा।
अब ये तो भविष्य के गर्त की बात है। जहाँ तक किसान कर्ज माफी का सवाल है, तो सब लोग जानते हैं कि किन लोगों की कितनी कर्ज माफी हुई है और कितना छलावा हुआ है, क्योंकि लोगों को उस कर्ज माफी के नाम पे ब्याज का भुगतान करना पड़ा। उसके कारण किसान मेरे हिसाब से तो कमलनाथ जी से ज़्यादा नाराज है हमारी सरकार की तुलना में, क्योंकि उन्होंने लोगों को छलावा दिया कि हम आपके 2 लाख रुपये माफ़ करेंगे। लेकिन किसके 2 लाख रुपये माफ़ हुए? 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लोगों के माफ़ हो गए हैं। और दूसरा आपका जो बात है 51 हज़ार रुपये, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 51 हज़ार रुपये शायद लोगों को मिले नहीं है। घोषणा तो हुई है लेकिन किसी भी दंपत्ति को 51 हज़ार रुपये मिले नहीं है। लेकिन हमारी सरकार में जो घोषणा होती थी वो पूरी होती थी, हम अफवाह में बात नहीं करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से और उनकी जो उनके साथी जो विधायक थे उनकी भाजपा में शामिल होने से चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? सिंधिया जी से कितना बीजेपी को लाभ मिलेगा? सिंधिया जी की जो सोच है वो बीजेपी की समकक्ष है। तैयारी भरमेश, हर कार्यकर्ता भरमेश तैयार रहता है। और मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव में 25 सीट हैं वो 2500 की 25 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी, ये मुझे विश्वास है। जी, तो क्या ऐसी बीजेपी की योजना है, भाजपा की क्या योजनाएं हैं जिनको लेकर जनता के सामने जो कांग्रेस के जो पुराने प्रत्याशी थे जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनके ऊपर जो दगाबाजी की छाप लगी हुई है उसको कैसे साफ करेंगे? दगाबाजी की छाप नहीं है, क्या है, कांग्रेस के शासनकाल में उसने कांग्रेस के साथ काम किया और वो विधायक जनता के बीच में जनता से विधायक चुन के आए और जो जनता के चुनाव के टाइम पे जो वादे किए वो वादों को पूरा उनके विधायकों को उनके क्षेत्र में नहीं पहुंच पाना, उनके वादे सरकार ने नहीं किए, इस वजह से वे कांग्रेस से त्रस्त हो गए, अपने भाजपा में अपन भाजपा परिवार में शामिल हो गए और भाजपा का जो हृदय परिवर्तन है वो भाजपा में शामिल होकर उन विधायकों ने पार्टी को परिवर्तन के साथ साथ में हृदय पर परिवर्तन भी किया है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस बात से मतलब प्रत्याशी के साथ साथ में और भी जो कार्यकर्ता थे वो भी पुनः भारतीय जनता पार्टी में युवा वर्ग विशेष तौर से युवा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से माननीय नरेंद्र मोदी जी से की विचारधारा से प्रसन्न है, इसी के साथ में जो भी चुनाव जो आ रहे हैं वो अच्छी बहुमत से जो 20-22 हज़ार वोटों से जीता था तो मेरा अनुमान है कि 44 हज़ार वोटों से जीत दिलाएंगे। आप भाजपा परिवार में कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे से भाजपा को क्या फायदा मिलेगा? भाजपा को उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। भाजपा जैसे सिंधिया जी हैं उनके जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी जो दादी थी राजमाता सिंधिया उनने जनसंघ के टाइम से जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से काम किया और भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने वाली राजमाता सिंधिया जी और किसी कारण से वो कांग्रेस में थे मतलब उनके पुनः उनके परिवार की जो भाजपा में जो भाजपा को खड़ा किया उन्होंने कहीं से कोई गलती नहीं करी, वे पुनः अपने घर वापसी उन्होंने की है और उससे उसका बहुत बड़ा फायदा मिला।